load flow techniques. I'm going to explain load flow techniques. We have three methods for load flow analysis. One is Gauss method, second is Gauss-Seidel method, and third one is Newton-Raphson method. तो मैं यहाँ पे Newton-Raphson method explain करने वाला. तो Newton-Raphson technique एक iterative method है जिसमें कि हम non-linear equations को solve करते हैं with same number of variables. जितनी equations होंगी उतने ही variables होते हैं. Newton-Raphson method से solve करने के लिए suppose कि कोई एक function हमें दिया हुआ है fx is equal to 0. अब अगर इसे हमें solve करना है, let कि ये माना कि एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, तो इसे सॉल्व करने के लिए एक न्यूटन रैप्सन का एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, वो होता है एक एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो फार्मूला होता है एक्स की पावर आर प्लस वन, मतलब अगला स्टेप इज इक्वल टू पिछला स्टेप एक्स की पावर आर माइनस एफ एक्स की पावर आर अपॉन एफ डैश एक्स की पावर आर. यहाँ पे एफ डैश एक्स फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है फंक्शन का. इस फॉर्मूले से नेक्स्ट स्टेप निकाली जा सकती है, और इसमें जब नेक्स्ट स्टेप आ जाती है तो उसको फर्स्ट स्टेप मान के फिर अगला नेक्स्ट स्टेप निकालते हैं, और इसे तब तक करते हैं जब तक कि हमें फाइनल वैल्यू ना प्राप्त हो जाए. और फाइनल वैल्यू वो वैल्यू होती है कि जब दो क्रमागत आंसर्स की जो अंतर होता है वो एरर से कम होना चाहिए. जैसे कि x की पावर r प्लस वन, मतलब नेक्स्ट स्टेप माइनस x की पावर r लेस देन और इक्वल टू एरर हो, तब हम इटरेशन को बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं. दिस इज हाउ वी सॉल्व. न्यूटन रैप्सन मेथड में लोड फ्लो एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम लोड फ्लो इक्वेशंस लेते हैं कि हमें बसेस दी हुई होती हैं, बसेस के पैरामीटर्स दिए हुए होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस फॉर्म करते हैं जो कि लीनियर नॉन लीनियर हो सकती है, जनरली नॉन लीनियर होती हैं. तो सपोज कि इसमें दिया हुआ है एस वन एस आई इज इक्वल टू पी आई प्लस जे क्यू आई. तो पी आई और जे क्यू आई जो होती हैं इनको हम वोल्टेज और उनके एंगल उनके फॉर्म में लिख लेंगे, वोल्टेज इक्वेशन के फॉर्म में, और फिर इन्हें बाद में हम कन्वर्ट कर देंगे इसमें से. जैसे ये S1 है मतलब अपरेंट पावर है, उनको उसके एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर को अलग अलग कर लेंगे. मतलब एक्टिव पावर जो होगा वो रियल होगा, और रिएक्टिव पावर जो होगा इमेजिनरी भाग होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का. इस तरह से हम इन्हें अलग अलग कर लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हें राइट कर लेंगे इस फॉर्म में, जिसमें से इसका जो फर्स्ट है उसको समेशन से बाहर निकाल लेंगे फर्स्ट स्टेप को, और बाकी को जो बाकी बचा हुआ भाग है उनको समेशन में रहने देंगे. इस फॉर्म में लिखने के बाद न्यूटन रैप्सन सॉल्व करने के लिए इनको जैकोबियन में फॉर्म में लिखने के बाद न्यूटन रैप्सन सॉल्व करने के लिए इनको जैकोबियन में कन्वर्ट करेंगे. एक जैकोबियन मतलब ये न्यूटन रैप्सन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, डेल एफ इज इक्वल टू जे डेल एक्स. तो जे यहाँ पे जैकोबियन मैट्रिक्स होता है, और डेल एफ और डेल एक्स ये वेरिएबल्स होते हैं जो जिसमें से हमें डेल एफ फाइंड करना है. तो इसे प्रॉपर वे में हम अरेंज करेंगे, जैसे कि ये अब इसमें हमने डेल पी आई और डेल क्यू निकाल लिया, और इसे जब हम वापस मैट्रिक्स में रखेंगे तो हमें कुछ इस तरह का फॉर्मेट प्राप्त होगा. और इससे जब ये हमें मैट्रिक्स फॉर्म में मिल जाएगा तो इस मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें इससे H, N, M और L की वैल्यूज़ प्राप्त हो जाएंगी, और जब ये वैल्यूज़ प्राप्त हो जाएंगी तो इनको हम इसमें पुनः मैट्रिक्स में रख के फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में रख के और हम आंसर्स निकाल लेंगे इस मेथड से. डेल्टा और डेल वी का आंसर हमें मिल जाएगा, और इसे हम रख के लोड फ्लो एनालिसिस कर लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमें लोड फ्लो से जुड़े जो सॉल्यूशंस चाहिए थे वो मिल जाएंगे.